कोलकाता में या इंडिया में अगर ये रूम होता तो आराम से 1500 के आसपास आ जाता। ये खाना का मेनू देखिए, हम खुद से नहीं बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिए ये क्या लिखा है और ये सब क्या लिखा है, क्या चीज़ का है ये डिश। तो ये है फेरी, इसको आप फेरी बोलिए, क्रूज बोलिए, जो भी बोलिए। ये देखिए कुछ ऐसा है। ये अभी हम पहुंच गए बाताम सेंटर, ये था हम लोगों का तो फेरी, और ये अभी हम एंटर करने वाले हैं इंडोनेशिया। तो ये अभी हम आ गए पैसिफिक पैलेस होटल, ये देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया सीरीज के और एक एपिसोड में आप लोगों का करते हैं हम स्वागत। तो आज हम निकलने वाले ये जो रूम है, ये रूम से ये था सिंगापुर का सबसे सस्ता होटल, और ये देखिए सिर्फ एक बेड, इतना छोटा रूम, और ये देखिए कुछ है बाथरूम। यहाँ पे जो है सब ये शावर यूज़ करते, और ये ऐसा कुछ था कोलकाता में या इंडिया में अगर ये रूम होता तो आराम से 1500 के आसपास आ जाता, लेकिन अब देखिए ऐसा हाल है। और आज जो है आज फ्राइडे है, तो आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे जो है यहाँ पे प्राइस बहुत हाई रहता है। तो आज यहाँ से हम लोग जाएंगे और एक होटल में, वहाँ जाके आज हम लोग रुकेंगे। और ये होटल हम बुक करे थे trip.com से, लेकिन क्या है ना कि आप अगर आज आके होटल बुक करते तो उसमें प्राइस आप लोगों को ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। जैसे हम क्या किए, हम जाके पूछे कि हम और एक दिन रहना चाहते, तो ये लोग $90 चार्ज कर रहे थे, लेकिन ये होटल मेरे को पड़ा था $61 में, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, प्राइस का डिफरेंस कुछ इतना हो गया। ये देखिए सुबह सुबह कौन आ गया है खाना खाने के लिए। हेलो, तो हम जो कोलकाता से आए हैं यहाँ पे, तो सीन कुछ ऐसा था, मैं मतलब बहुत ही टेंस था क्या होगा, मतलब इमिग्रेशन जो था, जो मेरा सबसे बड़ा डर था वो था कि मेरा जो ड्रोन है मैं उसको कैसे इंडिया से बाहर मतलब लेके आऊँ, क्योंकि ड्रोन जो है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उतना तो मतलब इजी उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो वो चीज़ बहुत ही स्मूथ था। ये देखिए यहाँ पे एक बांग्लादेशी सैलून है, ओ भाई साहब, और मूफीज पराठा कॉर्नर, इंडियन मुस्लिम फूड देखिए वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। और ये देखिए डबल डेकर बस, यहाँ पे ये बस बहुत ज़्यादा चलता है। और ये है कुछ रोड, ये देखिए कुछ मतलब जो खाना है यहाँ का, ये खाना का मेनू देखिए, हम खुद से नहीं बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिए ये क्या लिखा है और ये सब क्या लिखा है, क्या चीज़ का है ये डिश, ठीक है। ये जो है ये वाला ऊपर वाला और ये वाला, ये आप लोग देख सकते हैं कैसा है, क्या चीज़ है ये देखिए। अब ये देखिए आप लोग अगर चाहे तो ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या चीज़ है ये, हम लोग तो ट्राई नहीं करेंगे। ये अभी हम आ गए एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, ये ABC जो है बहुत फेमस है यहाँ पे, मतलब बहुत सारा स्टॉल है यहाँ पे। ये देखिए ये कुछ मेनू है, ये देखिए बिरयानी, चिकन बिरयानी $8 का, मटन बिरयानी $9 का, फिश बिरयानी है $8 का, रोटी जॉन कॉम्बो। अभी देखते हैं, ये देखिए पराठा का मेनू, देखिए एक पराठा, चीज़ पराठा, डबल एग पराठा, हॉट डॉग चीज़ ऑनियन पराठा, ये कैसा पराठा है भाई, बनाना पराठा, लीची पराठा, भाई साहब मैगी पराठा, ये सब क्या चीज़ है। ये सजेस्ट किया मेरे को, तो इसलिए हम आए, हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है अभी। ये जो पराठा का मेनू है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो हम लोग ऑर्डर किए वो वाला पॉइन पराठा हुई मटन और चिकन, ऐसा कुछ। ये हम लोग के वहाँ पे जो मुगलाई बनता है कुछ वैसा प्रिपरेशन है, और ये देखिए बटर देके करता है, ये पूरा बटर में भीगा हुआ है, इसमें तेल नहीं यूज़ होता है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए कोयन पराठा जो है ये शायद कुछ ऐसे बनेगा, ये है प्रोसेस। और ये देखिए अभी आ गया डायरेक्ट जो है किचन से हम लोग के प्लेट पे, और ये जो चीज़ है यही बन रहा था जो
जो ये कॉइन शेप का है, इसलिए इसका नाम दिया येलो पराठा। और एक चिकन के साथ दिया, ये हम लोगों को पड़ा $8 राइट। तो ये वाला $8 का, ये भी बढ़िया है। मतलब जो पराठा है उसको, जो लच्छा पराठा है उसके स्टाइल से करके छोटा छोटा कर दिए, तो इसको नाम दे दी कॉइन पराठा। बढ़िया, ये बढ़िया है। The next day. Good morning everyone. Welcome to my channel Part Time Traveller. तो सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया सीरीज के और एक नए वीडियो में मैं करता हूँ आप लोगों का स्वागत। अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया भी हम अभी जाएंगे, बाटाम करके एक आइलैंड है वहाँ पे। और बाटाम हम अकेला नहीं जाएंगे, मेरे साथ मोनिक भी चलेगा, तभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो ये होटल जो है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये एक बड़ा सा टीवी है, ये इलेक्ट्रिक केटली दिया हुआ है, ये है एसी, एक विंडो था, और ये एक एक्स्ट्रा बेड है। अगर आप लोग तीन लोग आते तो आप इसको बिछा के मतलब रह सकते हैं। ये था कुछ ऐसा बाथरूम, ये देखिए ठीक ठाक था। ये दरवाज़ा देखिए ऐसा कुछ था। तो ये थोड़ा बहुत चीप पड़ा मेरे को, क्योंकि हम जहाँ पे रुक रहे थे, मतलब आने के बाद हम जिस होटल पे रह रहे थे उसका प्राइस हमको लगा था $61 के आसपास, और ये हम लोगों को पड़ा 65। और आप लोग ये सोच सकते हैं कि 65 कैसे चीप हो गया। क्या है कि हम जो होटल पे रुक रहे थे उसका प्राइस वीकेंड में थोड़ा हाई रहता है। हाई मतलब कितना हाई, मेरा बुकिंग था वीकडे में और फ्राइडे सैटरडे का रेट वहाँ पे $90 है। तो हम वहाँ से आके यहाँ आ गए। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, और हम लोग का जो रूम था वो 3rd फ्लोर पे था। और यहाँ से देखिए आज वो इधर कुछ ऐसा है, और व्यू कुछ ऐसा है। वो एक मस्जिद है, और ये एक फायर स्टेशन है, और ये जो है यहाँ से व्यू। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं हार्बर फ्रंट फेरी टर्मिनल जो है। हम लोगों का जो फेरी है हार्बर फ्रंट से बाटम सेंटर तक का है। और जो बुकिंग प्रोसेस है वो बाकी सारा जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करता हूँ। अभी जो है हम लोग अभी जाएंगे हार्बर फ्रंट, वहाँ पे हम लोगों का इमिग्रेशन और बाकी सारा वीज़ा का जो सीन है वो होने वाला है। क्योंकि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब अगर आप लोग इंडोनेशिया जाना चाहते तो वीज़ा का जो सीन है और बाकी टिकटिंग का जो सीन है वो मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोग रेडवा सिंगापुर से ये जो टिकट है बुक करे हैं, $142 के आसपास हम दोनों का पड़ा। और ये जो है ये रिटर्न टिकट है, सिंगल टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, और रिटर्न टिकट जो है वो हम लोगों को $142 के आसपास मिला। हार्बर फ्रंट के लिए हम अभी रुक रहे हैं कालांग के आसपास, कालांग जो एरिया है। और कालांग से हार्बर फ्रंट का जो अभी गूगल मैप में जो दिखा रहा है 80 नंबर जो बस है वो पकड़ना होगा। तो 80 नंबर बस आप लोगों को डायरेक्ट हार्बर फ्रंट जो पोर्ट है पोर्ट में उतर देगा। हम लोगों का जो फेरी का टाइम है वो 1:20 पे है। हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लीगल जो प्रोसेस है वो होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन वो होगा, कुछ फॉर्म अगर फिलअप करना होता है तो थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। तो वैसे ही कुछ सीन है। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है, और यहाँ पे जो चेकआउट है 11 बजे का चेकआउट था, और चेकआउट करके ही हम लोग अभी निकल गए। अगर कुछ टाइम हाथ में रहता है तो जो फेरी टर्मिनल है वहाँ जाके वेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, और खाना वाना जो है थोड़ा बहुत खा लिए, बाकी जो है हम जो फेरी है उसके आसपास जाके खाना खाएँगे। ये देखिए 80 नंबर बस है यहाँ पर खड़ा हुआ, हम लोग को ये वाला पकड़ना है। ये देखिए ये निकल गया, नहीं नहीं रुक गया। तो ये अभी हम आ गए हार्बर फ्रंट जो स्टॉप है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है वीवो सिटी एक मॉल है इसके अंदर। और ये जो है टर्मिनल जो है हार्बर फ्रंट, ये आपका MRT और बस स्टॉप जो है दोनों एक साथ है। MRT जो है वो अंदर से ही कनेक्टेड है, और बस स्टॉप जो है आपको वो जगह पे उतार देगा, फिर वहाँ से आप लोगों को यहाँ अंदर जाके देखना होगा क्या है। हम भी चलते, मेरा ये पहला बार है कि हम किसी और कंट्री जा रहे हैं, और वो भी शिप से। शिप नहीं है, ये एक फेरी है, मतलब ये जो है फेरी सर्विस जो है यहाँ पे चलता है। तो अभी ये देखते हैं कहाँ पे है हम लोगों को। ये हार्बर फ्रंट सेंटर जो है, तो हार्बर फ्रंट सेंटर आना होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोड लॉबी BD, और फेरी क्रूज जो है ऑफिस लॉबी इस साइड में है।
तो हम लोगों को अभी ढूंढ के जाना होगा। ये जो है मॉल, ये कुछ इस तरह से है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे और एक्सपेंसिव होने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि मॉल में वैसे भी तो हम लोग शॉपिंग नहीं करते। और ये देखिए कुछ ऐसा है, मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे, और कुछ है बेकरी का, ये चाइनीज़ कुछ है शॉप। ये देखिए जूता का शॉप है, ये क्रिसमस का कुछ आइटम है यहाँ पे। हम लोगों को अभी जाना होगा लॉबी बी में, जो कि उसके ऊपर है, और उसमें शायद हम लोगों को फेरी का जो डिटेल्स है वो देखने के मिल जाएगा। फेरी के बिल्कुल पास सीधा जाके राइट के साइड पे दिखेगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है फेरी का टाइमिंग और फेरी का जो ये दिखा रहा है, ये सिंधु फेरी जो है हम लोगों का जो कंपनी है, 3rd floor 43 number gate होगा शायद, वहाँ पे चलते हैं तो वहाँ जाके पूछ लेते कि प्रोसेस क्या है बाकी का, क्योंकि हम लोगों का जो फेरी का टाइमिंग है 1:20 का, वो अभी तो यहाँ पे बोर्ड जो है उसमें नहीं शो कर रहा है, तो वो जाके ही पूछना होगा। ये देखिए ये जो शिप है और ये जो पोर्ट है, चलिए सामने से दिखाते हो भाई साहब क्या लग रहा है सीन यहाँ से। तो ये है फेरी, इसको आप फेरी बोलिए, क्रूज़ बोलिए, जो भी बोलिए। ये देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब जो काउंटर है, ये देखिए मैजेस्टिक फास्ट एक है, ये है सिंधु फेरी हम लोगों का, और ये देखिए हॉरिजन जो है, हॉरिजन फास्ट फेरी वो वाला यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोगों का जो है टिकटिंग कर लेते पहले। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, तो यू हैव टिकट्स, गिव मी पासपोर्ट प्लीज, पासपोर्ट, ओके, टू पासपोर्ट। तो आप लोग यहाँ आके भी टिकट ले सकते हैं, $76 करके पर पर्सन का राउंड ट्रिप का टिकट है, जो आता है आपका 152 के आसपास, और हम लोग जो ऑनलाइन बुक किए रेड बस सिंगापुर से, वो हम लोगों को $142 पड़ा, $10 सेव हो गया, क्योंकि हम लोग जो है फर्स्ट टाइम बुकिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम बुकिंग के लिए वहाँ पे एक डिस्काउंट था, तो हम वो लेके ऑनलाइन बुक कर लिए। और जो है हम लोग होटल वाला से बात कर रहे थे कि हम लोग यह जाने वाले हैं, तो वो बोले कि आप पहले एडवांस बुक करके जाइए, वो आपका मतलब टाइम सेविंग भी रहेगा और आपका चीप भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। और वो ऐसा भी बोले कि फ्राइडे सैटरडे जो है ज़्यादातर सिंगापुरियन पर्सन बातम ऐसे ही जाते घूमने के लिए। लगेज चेक इन होने के बाद ये जो है, ये है वेटिंग एरिया, डिपार्चर एरिया जो है, वहाँ पे बहुत सारा ड्यूटी फ्री शॉप है, वहाँ 1, 2, 3 ड्यूटी फ्री शॉप है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे वाइन फाइन का शॉप है, यहाँ पे चॉकलेट्स एंड खाने का कुछ शॉप है, ये भी परफ्यूम्स का शॉप है, ऐसा बहुत सारा दुकानें हैं। वहाँ पे जो है अल्कोहल का दुकान है, चलिए वो भी एक बार घूम लेते हैं। ये देखिए अंदर नहीं जाएंगे, नशा हो जाएगा अंदर जाने से। ये देखिए $58 का जी, बहुत सारा है यहाँ पे, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पीने का टेस्ट जो है वो मेरे को पता नहीं। ये देखिए $182, $125, $112, वहाँ पे बहुत सारा है, अंदर नहीं जाना है हमको, लेना नहीं है, तो अंदर जाके क्या फ़ायदा, नशा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है ये जो वेटिंग एरिया है, आप इसको लाउंज भी कह सकते हैं, और ये कुछ ऐसा है वेटिंग एरिया, ठीक है। लगेज फगेज सब चेक हो जाने के बाद आप यहाँ पे वेट करना होता है, अभी जो है बोर्डिंग चालू नहीं हुआ, बोर्डिंग चालू के लिए वेट करते, फिर उसके बाद चलते जो है वो भी सीन आप लोगों के साथ शेयर करते। ये देखिए ये बोर्ड में दिखा रहा है, तो गेट में टिकट जो है स्कैन करने के बाद आप लोगों को आप लोगों का जो वे है, मतलब जो जहाँ पे हम लोगों का वो खड़ा है वो दिख जाएगा। हम लोगों का जो है वो है बार्थ 2, और ये देखिए सामने जो है 1 और 2 दिख रहा है, सही है। और ये कुछ ऐसा है, ये है हम लोगों का जो फेरी है, आप इसको फेरी क्रूज़ जो भी है बता सकते हैं, ये लोग तो इसको फेरी कहते हैं, लेकिन शायद ये क्रूज़ फेरी जो भी है एक ही चीज़ है। तो चलिए आप लोगों को अंदर का सीन जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बातम का बहुत सारा ऐड दिया हुआ है, और ये है हम लोगों का जो रास्ता है। ये देखिए कुछ ऐसा है अंदर का सीट, यहाँ पे एक शॉप है, ये तो पूरा खाली है भाई। ये देखिए कुछ ऐसा है, पूरा एसी है इसमें, देखिए टीवी है, और ये कुछ ऐसा सीट है,
अच्छा सीट है। अभी देखते ऊपर जाने का कुछ सीन है कि नहीं, या बाहर जा सकते कि नहीं। ऊपर में भी बैठने का जगह है, ये देखिए ऊपर में भी है बैठने का जगह। तो ये देखिए अभी जो हम लोगों का फेरी है ये अभी छोड़ दिया है। अभी टाइम हो रहा है 1:15, 1:20 का टाइमिंग था, लोग उतना नहीं है, थोड़ा हल्का ही है, तो इसलिए ये छोड़ दिया है। और ये देखिए पानी का कलर देखिए कितना अच्छा है पानी का कलर। और वो ऊपर से देखिए जा रहा है सिंगापुर सेंतोसा का जो केबल कार है, ये केबल कार। पहुँच गए बाताम सेंटर, जो बाताम सेंटर जो फेरी है वो फेरी पे ये था हम लोगों का जो फेरी। और ये अभी हम एंटर करने वाले हैं इंडोनेशिया। और ये देखिए वेदर यहाँ पे जो है उतना ठीक नहीं है, बारिश हो रहा है देखिए कितना ज़ोर से। तो ये देखिए इंडोनेशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज में क्या लिखा है। अभी हम लोगों का लगेज कलेक्ट करना है और देखते वीज़ा का क्या सीन है यहाँ पे। मेरा जो वीज़ा है वो शायद $50 लगेगा, हम लोगों को सिंगापुर से बता दिया था। तो अभी देखते वीज़ा कहाँ से लेना होता है, लगेज भी लेना है हम लोगों को। और यहाँ से अभी निकलते हैं, बाकी जो है वीज़ा का प्रोसेस वो पहले होने दीजिए, फिर जो प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अराइवल से निकलते ही आप लोग ये मॉल में आएंगे। और ये देखिए ये कुछ है मॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारा आप लोगों को मनी एक्सचेंज काउंटर मिल जाएगा। और अभी जो रेट चल रहा है सिंगापुर डॉलर का वो है 116। तो ये वाला जो शॉप है, ये वाला यहाँ से हम लोग एक्सचेंज करें। आप लोग जो है हर जो शॉप है वहाँ पे एक बार एस्टीमेट ले लेना, क्योंकि हम लोगों को एक जो है एक शॉप में मिला 115, एक में मिला 114 और एक में मिला 113। तो हम लोग 115 वाला लिए है। और गूगल में जो प्राइस है वो है 116, तो 115 वाला सबसे मतलब हम लोगों को सबसे अच्छा लगा, तो हम लोग यही वाला लिए। फेरी से बाहर का सीन, और सिंगापुर का जो सिम है वो यहाँ पे नहीं चलता है, एक नया सिम लेना होगा। तो हम एक नया सिम ले लिए जिसका प्राइस मेरे को पड़ा $10 के आसपास। और ये आ गया हम लोगों का ग्रैब टैक्सी। तो ये अभी हम आ गए पैसिफिक पैलेस होटल। ये देखिए ये जो है इसका एक स्पेशलिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है देखिए होटल, और ये है गेट। चलिए अंदर चलते। रिसेप्शन में जाके बात करते हैं। ये देखिए कुछ है ऐसा ड्रेस। ये तो लग रहा है कि पूरा एक्वामैन का सेट है। ये होटल का जो स्पेशलिटी है शिप थीम्ड जो होटल है वो है। ये पे एक रेस्टोरेंट है। तो हम लोगों का जो रूम था वो स्टैंडर्ड रूम था, और ये लोग जो है हम लोगों का रूम जो है फ्री में अपग्रेड कर दिया है। देखिए स्विमिंग पूल देखिए कितना बड़ा है, ये सारा चीज़ देखिए कितना बड़ा। जैसे हम लोग जो इंडियन है हम लोगों को फ्री में अगर कुछ भी मिल जाए तो हम लोग बहुत ही खुश होते। तो वैसे ही जो है हम लोग बुक करते स्टैंडर्ड रूम। फेयर जो था मेरे ख्याल से 2500 के आसपास था, इंडियन मनी बोल रहा हूँ, इंडोनेशियन मनी नहीं बोल रहा हूँ, 2500 के आसपास था। और ये जो है रूम ये मेरे को लग रहा है 3500 के आसपास था। तो ये देखिए इतना सस्ता में यहाँ पे इतना अच्छा रूम मिल रहा है, अलग ही लेवल का रूम है ये। और ये देखिए यहाँ पे शायद कुछ है नहीं, तो ये सिर्फ मिरर है। और ये देखिए इतना बड़ा बाथरूम है, यहाँ पे कुछ है सामान सामान कुछ है, कप है यहाँ पे, यहाँ पे टिश्यू है और ब्रश ब्रश है, साबुन है और कंघी भी है यहाँ पे। हाँ देखिए सब एकदम चकाचक बढ़िया एकदम से होटल मिल गया। अरे भाई बाथरूम में भी देखिए फ़ोन लगा दिया है, तो ऐसा कुछ है मेरा हाल। ये देखिए यहाँ पे हेयर ड्रायर भी है, फूड मेनू भी है,
फूड देखिए पिज़्ज़ा है 78,000, 78 मीन्स $6 के आसपास हो गया। पास्ता है, बहुत सारा चीज़ है, मतलब उतना भी हाई अमाउंट नहीं है। तो बस ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी वीडियो बातम जो है हम इसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग आखिर तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी जो है डिटेल्स विटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो ये था मेरा जर्नी सिंगापुर से लेकर इंडोनेशिया तक का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंडोनेशिया के लोग, कुछ सी फूड और लोकल एरिया। तो ये सीरीज़ को फॉलो करिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके।